विज कहता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करके मुझे हिट करने की कोशिश करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है। हम देखते हैं कि इस सीरीज की शुरुआत गोकू और ब्रॉली से होती है। गोकू कहता है, ब्रॉली क्या तुम्हें पता है, मैंने और वेजिटा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक एक से बेहतरीन फाइटर्स देखे थे, लेकिन उन फाइटर्स में एक फाइटर ऐसा था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम था जिरेन। ब्रॉली कहता है, क्या वो हमारी तरह सेयन था? गोकू कहता है, नहीं ब्रॉली, वो सेयन तो नहीं था, लेकिन उसमें और तुम में ज्यादा फर्क भी नहीं था, लेकिन एक चीज को छोड़कर, और वो है अपने आप पर कंट्रोल करना। तो इसीलिए ब्रॉली, आज मैं तुम्हें अपनी एनर्जी पर की कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और हमें देखने को मिलता है कि वेजिटा गोकू और ब्रॉली की बातें बैठकर सुन रहा होता है। गोकू ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली अगर तुम अच्छी तरह से अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो ताकि और ज्यादा पावरफुल हो सको। ब्रॉली कहता है, लेकिन मैं पावरफुल होकर क्या करूंगा? गोकू कहता है, ब्रॉली सोचो, अगर आगे चलकर तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल आ गया तो हम कैसे संभालेंगे, और उसकी वजह से अगर हमें या फिर तुम्हारे दोस्त चिलाई और लीमो को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? ब्रॉली को इतना सुनते ही गुस्सा आ जाता है और फिर ब्रॉली कहता है, मैं और ताकतवर बनूंगा और अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। गोकू कहता है, ये हुई ना बात ब्रॉली? गोकू मन ही मन कहता है, यस बात बन गई। और इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? वेजिटा कहता है, कैकरोट क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा इसे ट्रेनिंग करना नहीं कहते हैं, इसे आलस कहते हैं, चलो उठो और मेरे साथ ट्रेनिंग करो। वेजिटा कहता है, कैकरोट क्या तुम भूल गए, शुरू से लेकर आखिरी तक टूर्नामेंट ऑफ पावर में किस तरीके से जिरेन ने अपनी पावर पर कंट्रोल रखा था। जब तक जिरेन टूर्नामेंट ऑफ पावर में था उसके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी, यहाँ तक कि जिरेन ने किसी गॉड या एंजल से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। सोचो कैकरोट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी सेयंस की पावर पर ध्यान देना चाहिए? गोकू कहता है, वेजिटा जो तुम कह रहे हो शायद मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। गोकू के इतना कहने के बाद विस आसमान से उतरते हुए कहता है, वाह वेजिटा, मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। विस कहता है, वेरी गुड वेजिटा, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। और गोकू अब तुम बताओ तुमने क्या सोचा है? गोकू कहता है, फिलहाल तो मैं ब्रॉली को उसकी एनर्जी की पर कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ। विस कहता है, ओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि ब्रॉली तुमसे की कंट्रोल करना सीख जाएगा, जबकि जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रॉली देखकर ज्यादा अच्छे से सीख लेता है। गोकू कहता है, मैं समझा नहीं विस। विस कहता है, क्यों ना गोकू तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो जिसकी वजह से ब्रॉली देखेगा और अपनी एनर्जी की पर कंट्रोल करना जल्दी सीखेगा। गोकू कहता है, वाह विस, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद विस ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली तुम्हें गोकू को ध्यान से देखना है और सीखना है कि कब कहाँ और कितना एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ब्रॉली? ब्रॉली कहता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद वेजिटा अपने मन ही मन में सोचता है, अच्छा हुआ ये ब्रॉली शांति से बैठा है, कम से कम मैं अपनी ट्रेनिंग तो कर पाऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा क्या तुम्हें हमारे साथ ट्रेनिंग करना है? लेकिन वेजिटा कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद विस कहता है, ओ लगता है वेजिटा का आने का मन नहीं है, चलो गोकू तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू रखो। इसके बाद गोकू और विस ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और गोकू कहता है, ठीक है विस, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। विस कहता है, तो गोकू मैं तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सुशानों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, और गोकू मुझे ये भी पता है कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन पावर को अपने इमोशन के साथ यूज कर सकते हो, जिसे मैं कहता हूँ ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसे तुम अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में ही यूज कर सकते हो। लेकिन गोकू भले ही तुम्हें ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जिस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ उसकी ऊंचाइयों तक तुम बिल्कुल नहीं आ सकते। लेकिन गोकू तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम मेरी ऊंचाइयों तक ना पहुँच पाओ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। गोकू कहता है, ठीक है विस, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा ताकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं। विस कहता है, ठीक है गोकू, तुम्हारे इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की नई ऊंचाइयों को देखते हुए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, और वो चांस ये है कि तुम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक भी पंच हिट नहीं करूंगा। गोकू कहता है, सोच लो विस, कहीं तुम्हें ये महंगा ना पड़ जाए। विस कहता है, मैंने सोच लिया है गोकू, बस मुझे थोड़ा सा अपना ध्यान देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ पर शांति से बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर? बीरस कहता है, वेजिटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मैं बहुत समय से सोच रहा था कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बस मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कह नहीं पा रहा था। बीरस कहता है, ठीक है वेजिटा आ जाओ, हम वहाँ पर पीछे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, देर किस बात की, चलो। वेजिटा कहता है,
ठीक है लॉर्ड बीरस, चलिए। और फिर वेजिटा और बीरस ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि विस कहता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल करके मुझे हिट करने की कोशिश करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है। और फिर हम देखें कि ब्रॉली गोकू को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और वेजिटा भी बीरस के सामने खड़े रहता है और महसूस करता है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। और वेजिटा अपने मन ही मन में सोचता है, कैकरोट एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। बीरस कहता है, वाह ये सेयन तो लाजवाब है, जब भी ये अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है कि मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में चला जाता है और फिर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मैं आ रहा हूँ। वेजिटा बीरस को एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बीरस वेजिटा के पंच को डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है और विस को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन विस गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में विस पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन विस गोकू के सभी अटैक्स को डॉज करते रहता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि गोकू विस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तब भी विस सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि विस गोकू को एक हिट कर देता है जिसकी वजह से गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म से बाहर आ जाता है। इसके बाद गोकू दर्द की आवाज में कहता है, विस तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे, ये क्या था विस? विस कहता है, गोकू तुम लापरवाह हो गए थे, भले ही तुम अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में थे लेकिन तुम ये भी भूल गए थे कि डिफेंस नाम की भी कोई चीज होती है, तुम अपना बचाव करना बिल्कुल भूल गए थे गोकू। गोकू कहता है, मुझे ठीक से समझ नहीं आया विस। विस कहता है, जैसे जैसे मैंने तुम्हें अटैक्स करने के लिए बढ़ावा दिया वैसे वैसे तुम्हारे अटैक्स करने की एबिलिटी बढ़ गई जिसकी वजह से तुमने डिफेंस करना बिल्कुल छोड़ दिया और यहाँ तक कि तुम्हारे फाइट करने का तरीका भी बिल्कुल बदल गया था। लेकिन गोकू अगर तुम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल जैसे शुरू में कर रहे थे वैसे अगर तुम अभी तक डटे रहते तो शायद मेरे इस अटैक को तुम डॉज कर लेते। गोकू कहता है, ठीक है विस मैं समझ गया तुम कह रहे हो, अगली बार से मैं इसका पूरा ध्यान दूंगा। इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है विस क्या मैं थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ, इसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली गोकू के पास आता है और ब्रॉली कहता है, गोकू तुमने काफी अच्छा फाइट किया लेकिन मैं तुम्हें कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए देख नहीं पा रहा था और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी एनर्जी ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रहा था। गोकू कहता है, ठीक है ब्रॉली मैं समझ गया लेकिन तुम मुझे कैकरोट बुला सकते हो और तुम मेरी एनर्जी को इसीलिए ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो गॉड की है। लेकिन ब्रॉली चिंता मत करो, जब तुम ट्रेनिंग करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ब्रॉली कहता है, ठीक है गोकू मेरा मतलब कैकरोट। इसके बाद हम देखते हैं कि चिलाई ब्रॉली को आवाज देती है। चिलाई कहती है, ब्रॉली देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नया बनाया है, क्या तुम्हें खाना है? आ जाओ। इसके बाद ब्रॉली कहता है, कैकरोट मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद ब्रॉली वहाँ से चला जाता है और गोकू कहता है, ठीक है ब्रॉली। गोकू कहता है, मैं तो भूल ही गया था विस कि ब्रॉली गॉड की को महसूस नहीं कर सकता है। विस कहता है, लेकिन मुझे पता था, मैं बस ये जानना चाहता था कि ब्रॉली क्या सीखता है और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ब्रॉली ने कहा कि मैं तुम्हारी एनर्जी को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था जिसका मतलब ये है कि ब्रॉली कहीं ना कहीं तुम्हारी गॉड की एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। गोकू कहता है, मैं समझा नहीं विस। विस कहता है, गोकू जब तक ब्रॉली अपने लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना ना सीख जाए तब तक तुम्हें उसे डिवाइन एनर्जी के बारे में नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है तुम अच्छी तरह से समझ गए हो क्योंकि पहले वाली परेशानी से भी बड़ी परेशानी आ सकती है। गोकू कहता है, ठीक है विस मैं समझ गया। गोकू कहता है, विस एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मैंने तुमसे पूछा था कि ग्रैंड प्रिस्ट फाइट के रिंग में बहुत ज्यादा टफ होंगे तो विस तुमने कहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट के लुक्स पर मत जाना, वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मैं भी उनके सामने कुछ नहीं, तुमने ऐसा ही कहा था विस है ना? विस कहता है, हाँ गोकू मैंने यही कहा था और मैंने ये भी कहा था कि पूरे मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट का नाम टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। गोकू कहता है, वाओ कितना अच्छा लगता है सुनने में कि पूरे मल्टीवर्स में 5 ऐसे फाइटर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं एक दिन उन सभी फाइटर्स से जरूर मिलूंगा। विस कहता है, फिलहाल तो तुम ग्रैंड प्रिंस से मिल चुके हो गोकू लेकिन बाकी 4 अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। गोकू कहता है, अच्छा विस क्या तुम मुझे ग्रैंड प्रिंस के ही बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो? विस कहता है, वैसे गोकू तुम ग्रैंड प्रिंस के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हो? गोकू कहता है, वैसे तो विस मैंने सुना है कि ग्रैंड प्रिंस को बहुत लोग ग्रैंड लीडर कहते हैं तो बहुत लोग ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या उनका कोई और भी नाम है? विस कहता है, गोकू मुझे बताओ अगर हाईएस्ट के ऊपर भी कोई चीज है तो तुम उस चीज को क्या कहोगे?
ग्रैंड कहोगे या फिर ग्रेट कहोगे, है ना। और गोकू मेरे फादर ग्रैंड प्रिस्ट का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं डाइशिंकन, लेकिन लोग रिस्पेक्ट करने के लिए ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं। गोकू कहता है, क्या डाइशिंकन, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। विस कहता है, लेकिन गोकू तुम उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ही कहना, ठीक है। गोकू कहता है, ठीक है विस मैं समझ गया। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन विस एक दिन मैं जरूर ग्रैंड प्रिस्ट को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। विस कहता है, गोकू मैं तुम्हें दूसरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा दोबारा कभी मत सोचना कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट को चैलेंज करोगे। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन विस फिर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। विस कहता है, लेकिन गोकू सिर्फ एक शर्त पे, जिस दिन तुम मुझे भी पीछे छोड़ दोगे उस दिन मैं खुद तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगा। और मुझे यकीन है गोकू तुम ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम सिर्फ सुपर सैयन थे और आज देखो तुम्हारे पास खुद की डिवाइन पावर है। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक मॉर्टल एक सैयन यहाँ तक पहुँच सकता है। मुझे तो कभी कभी शक होता है गोकू कि तुम सच में एक सैयन हो या फिर कुछ और। गोकू कहता है, विस क्या सच में तुम ये क्या कह रहे हो। विस कहता है, नहीं गोकू मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पे पिकलो और गोहान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पिकलो कहता है, गोहान तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, क्या पता सेल मैक्स से भी ज्यादा पावरफुल कोई आ गया तो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। गोहान कहता है कि अगर कोई सेल मैक्स से भी पावरफुल होगा तो उसे आने दो, हम देख लेंगे, है ना पिकलो। इसके बाद पिकलो थोड़ी सी स्माइल करता है और फिर गोहान और पिकलो दोनों ट्रेनिंग में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जख्मी हालत में जमीन पर बैठा होता है और बीरस कहता है, वेजिटा मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तुम बहुत ही अच्छी फाइट किए हो, मुझे यकीन है तुम एक दिन बहुत ही अच्छे फाइटर बनोगे। चिंता मत करो वेजिटा, मैं विस से कह दूंगा कि वो तुम्हें हील कर देगा। वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, आपके अटैक करने के बाद शायद मेरी पावर और बढ़ गई है, मेरा मतलब लॉर्ड बीरस मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बीरस कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन वेजिटा अब तुम आराम करने जा सकते हो। बीरस थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर बीरस कहता है, वेजिटा तुम्हारे आराम करने के बाद हम फिर से ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। वेजिटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस जैसा आप कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ बैठकर सोच रहा होता है कि तभी विस पूछता है, क्या हुआ गोकू तुम ऐसे क्यों बैठे हो। इसके बाद गोकू कहता है, विस मेरी एक इच्छा है कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनूं। इसके बाद विस कहता है, हां जरूर गोकू मैं यही चाहता हूं। गोकू कहता है, विस तुम बीरस के मुकाबले दिल के बहुत साफ हो। विस कहता है, ओ थैंक्स गोकू, कहीं लॉर्ड बीरस सुन न ले। गोकू कहता है, विस क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। विस कहता है, हाँ जरूर पूछ सकते हो गोकू। गोकू कहता है, विस वैसे तो यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम ना कर सको, लेकिन फिर भी जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है, वैसे ही तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी ना विस। गोकू कहता है, मुझे मना मत करना विस, मुझे ये सवाल तुमसे बहुत समय से पूछना था। विस कहता है, ठीक है गोकू, अगर तुम्हें मेरी इच्छा के बारे में जानना है तो मुझसे वादा करो कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, नहीं तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। गोकू कहता है, ठीक है विस, अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। विस कहता है, मेरी उस इच्छा को सुपर शेनरॉन भी पूरा नहीं कर सकता है, मैं भी अपने फादर की तरह इस रिंग इस कानून के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। गोकू विस की ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, डाइशिंकन गोकू पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश होता है। और गाइस पार्ट 2 कमेंट करना मत भूलो, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी डाइशिंकन गोकू पार्ट 2 आ जाएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ डाइशिंकन गोकू पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।